सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, आज है 1 सितंबर 2021 और आज से जीएसटी के अंदर कुछ नए रूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं जीएसटी पोर्टल पे, जिसकी समरी आपको इस सेशन में समझ में आएगी। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रूल और चेंज जो कि आज से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, ये है रूल 59 सब रूल 6। ये रूल 59 सब रूल 6 बेसिकली कहता क्या है, ये बताता है कि अगर आपने अपनी पिछले 2 महीने की GSTR 3B की रिटर्न्स जो आज से ड्यू हो गई हैं वो नहीं फाइल करी होंगी, तो अब आपको GSTR 1 जो है वो नहीं फाइल करने दिया जाएगा। अब यहां पर समझ लीजिए कि 1 सितंबर 2021 आज हो गया, तो इस दिन तक कौन सी 2 GSTR 3B आपकी ड्यू हो चुकी हैं, एक तो जून महीने की, एक जुलाई महीने की। अगस्त महीने की ड्यू डेट अभी 20 तारीख है, तो जून और जुलाई की अगर GSTR 3B आपकी पेंडिंग है तो आप अगस्त महीने की GSTR 1 या फिर IFF जो है उसे अपलोड नहीं कर पाएंगे, पोर्टल आपको इस चीज की परमिशन नहीं देगा। इसके लिए एडवाइजरी भी ऑलरेडी इशू कर दिया गया है जीएसटी पोर्टल के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि दिस रूल विल बी इंप्लीमेंटेड, यानी कि रूल 59(6) विल बी इंप्लीमेंटेड ऑन जीएसटी पोर्टल फ्रॉम 1 सितंबर 2021, यानी कि आज की डेट से। On implementation of the said rule, the system will check whether before filing of GSTR 1 of a tax period or IFF of a tax period, the following has been filed or not. 3B आपने पिछले 2 महीने की फाइल करी है या नहीं, अगर आप मंथली फाइलर हैं, अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं तो लास्ट क्वार्टर की यानी कि अप्रैल से लेके जून क्वार्टर की GSTR 3B आपकी फाइल हुई है या नहीं हुई है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है कि अब आप अपनी GSTR 3B जो है जल्द से जल्द फाइल कर लीजिए, अदरवाइज आपको इनवॉइस अपलोड करने में परेशानी आएगी, जिससे सामने वाला ITC भी नहीं ले पाएगा। ऐसे ही कई सारे चेंजेस अगस्त महीने में GST और इनकम टैक्स के अंदर आए हैं। अगर आपको सारे चेंजेस एक जगह पर चाहिए तो उसके लिए आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन डिटेल्स भी ले सकते हैं और अपने आप को हर महीने जीएसटी और इनकम टैक्स के चेंजेस से अपडेट कर सकते हैं। तो पहला हो गया रूल 59(6) जो कि आज से लागू होगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवोकेशन। जी हां फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर कई सारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए गए थे, उनका रिवोकेशन जो है 90 डेज का टाइम पीरियड, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 90 डेज भी एक्सपायर हो चुका था। अब यहां पर गवर्नमेंट ने एक एक्सटेंशन लाया था जिसमें यह बताया है कि 30 सितंबर 2021 तक आप अपना जीएसटी नंबर फिर से रिस्टोर कर सकते हैं, जिसकी फैसिलिटी प्रैक्टिकल फाइलिंग जीएसटी पोर्टल पे इनेबल कर दी गई है। यानी कि 1 सितंबर 2021 से अब आप अपना पुराना नंबर जो है उसे रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप सारे कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। कंडीशंस क्या है? कंडीशन ये कि आपका नंबर जो कैंसिल हुआ था वो हुआ था ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, और दूसरा कंडीशन यह है कि ये कैंसिल होने के बाद जो रिवोकेशन अप्लाई करने का टाइम पीरियड था वो 90 डेज वाला 1 मार्च 20 से लेके 31 अगस्त 2021 के बीच में फॉल कर रहा था। तो अब आप रिवोकेशन जो है 30 सितंबर अगले 30 दिनों तक अप्लाई कर सकेंगे। सर, इसमें जो रिटर्न्स फाइल करेंगे उसके अंदर तो लेट फीस काफी ज्यादा लगने वाली है, क्योंकि एमनेस्टी स्कीम 31 अगस्त यानी कल खत्म हो गई। जी नहीं, तीसरा अपडेट यही है कि एमनेस्टी स्कीम जो कि 31 अगस्त 2021 को खत्म होनी थी उसे अब फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 30 नवंबर 2021। यानी कि आप एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट 1 सितंबर 2021 से भी ले सकते हैं, और इस 30 दिनों के अंदर एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेते हुए आप अपनी जीएसटी कैंसल हो चुकी नंबर की रिवोकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने आप को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड।
अब इसके बाद जीएसटी के अलावा इनकम टैक्स की अगर बात करें तो पैन और आधार को लिंक करने का जो टाइम पीरियड था वो अब 30 सितंबर 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया था। तो अगर आपका पैन और आधार अभी तक लिंक नहीं हुआ है तो पैन और आधार को लिंक करने के लिए अगले 30 दिनों में आप पोर्टल पे जाकर के अपना लिंकिंग करा सकते हैं। इसके बाद आप जीएसटी पोर्टल पे देखेंगे तो यहां पर एक फैसिलिटी आपको दी गई थी जिसमें एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर, जी हाँ फ्रेंड्स, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर को अपडेट करने का ऑप्शन दिया गया था जिसकी लास्ट डेट थी, क्लोजर डेट, लास्ट डेट बोल लीजिए या क्लोजर डेट बोल लीजिए, जो कि थी 31 अगस्त 2021, वो अब खत्म हो चुकी है। यानी कि अब वो फैसिलिटी आपको नहीं दी जाएगी। अगर अब आप पोर्टल पे चेक करेंगे कि उसकी जगह पे किस तरीके से डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आप देखेंगे कि यहां पर फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो फिगर्स शो किए जा रहे हैं और व्यू और अपडेट फैसिलिटी में अगर आप जाएंगे तो यहां पर अब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं फाइनल टर्नओवर डिक्लेरेशन जो है वो अब यहां पर कंप्लीट कर दिया गया है और यहां पर अब आप कोई भी चेंजेस जो है जीएसटी पोर्टल के अंदर जाकर के नहीं कर पाएंगे। अब होगा क्या, ये जो टर्नओवर यहां पर अपडेट हो गया है इस टर्नओवर के बेसिस पे सारी फंक्शनैलिटी, चाहे वो लेट फी से रिलेटेड हो, चाहे आपका क्यूआरएमपी का एलिजिबिलिटी चेक करना हो जीएसटी पोर्टल को, चाहे वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए स्लैब डिटरमाइन करना हो, या फिर आप क्यूआरएमपी में है या नहीं है या एलिजिबल है या नहीं है, वो सारी चीजें इसके बेसिस पे किए जाएंगे। तो यहां पर एस्टिमेटेड टर्नओवर और रिटर्न्स फाइल्ड के बेसिस पे जो डेटा आया है उस दोनों का कंपैरिजन करते हुए यहां पर सिस्टम कंप्यूटेड टर्नओवर और एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो अपडेट कर दिया गया है। अब इसको चेंज करने का या फाइल करने का ऑप्शन यहां पर अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो कि जीएसटी पोर्टल पे नए रूल्स के साथ साथ इंप्लीमेंट कर दिए गए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि 1 सितंबर 2021 से जीएसटी के अंदर और इनकम टैक्स के अंदर क्या ऐसे इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो कि इंप्लीमेंट हो चुके हैं आज से, जिसको आप फॉलो करके अपना बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।